नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों धनुराशि वालों अब हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले दो दिनों के भीतर आपके ज़िंदगी का सारा लेखा जोखा बदलने वाला है। जो दोस्तों अब आपके जीवन काल में इन दो दिनों के समय अवधि में जो घटनाएं होने वाली हैं, जो परिवर्तन होने वाले हैं और जो बदलाव होने वाले हैं, और आप लोगों को अचानक से जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं दोस्तों, शायद आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में से खुशखबरी ना देखी होंगी और ना ही आपने कभी सुनी होंगी और ना ही आपने कभी कल्पना की होंगी कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई खुशखबरी भगवान हमें दे सकते हैं। जी दोस्तों अब आपके ज़िंदगी में अगले इन दो दिनों के अंदर वो होने वाले हैं दोस्तों, जिनका अंदाज़ा किसी भी जातक ने शायद कभी भी सपने में नहीं लगाए होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपकी कुंडली पर माता मनसा देवी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, जिस कारण से अगले इन दो दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी की पूरी लेखा जोखा ही बदलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपने काफ़ी लंबे समय से कई सारे दुख तकलीफों का सामना कर रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार की परेशानियां काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, तो उन सारी परेशानियों से आप लोगों को अचानक से मुक्ति मिलती दिखाई देंगी और आपकी ज़िंदगी में अचानक से आपको वो खुशियां प्राप्त होंगी दोस्तों, जिसके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। और दोस्तों इस खुशखबरी को सुनकर अगर आप और आपका पूरा घर परिवार खुशी से नाचने भी लगेगा। जी दोस्तों तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। दोस्तों हम आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे कि अगले इन दो दिनों के समय अवधि में माता मनसा देवी आप लोगों को कौन कौन से बड़े खुशखबरी देने वाले हैं, तो आपके ज़िंदगी में क्या बड़े परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से चमत्कार आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देंगे, तो आपके ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव भी या समय होने वाले हैं, और साथ ही या दो दिन तक आप लोगों को क्या क्या सावधानी भी रखनी पड़ेगी, तो कौन सी गलतियों को करने से या समय आपको बचकर रहना होगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार के मुसीबतें में आप ना पड़ सकें, और साथ ही इन दो दिनों के समय अवधि में आपके बिजनेस व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में इसमें क्या क्या सुधार भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसमें आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े बदलाव और क्या बड़े सुधार भी देखने को मिलने वाले हैं, और क्या बड़ी खुशखबरी आपके घर के दरवाजे पर इसमें दस्तक भी देने वाले हैं। आपको हम सारी के सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पूरी सटीक भविष्यवाणी करके बताऊँगा, तो आज की इस वीडियो को अगर आप मिस कर देंगे तो फिर आप बहुत बड़ी जानकारी कोई इसमें मिस कर देंगे। जी दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले माता मनसा देवी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सलाइ जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय माता मनसा देवी जरूर लिखें, आपकी सारे की सारे मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण होंगी और माता मनसा देवी के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। जी दोस्तों तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों यह विचार आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इन्हें आप लोग जरा कान लगाकर और ध्यानपूर्वक से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो इंसान ज़्यादा बोलते हैं दोस्तों, वह इंसान कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी भी सफल अपने आप को बना पाएंगे। इसलिए अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको लोगों की बातों का सुनने का आदत डालना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। जी दोस्तों तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों अगर यह बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आने वाले इन दो दिनों के आपके समय के बारे में, आने की या दो दिनों के समय अवधि में माता मनसा देवी की कृपा से आप लोगों को कौन कौन से बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी या समय परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, और यह परिवर्तन आपके कौन से क्षेत्रों में या समय होने वाले हैं, आपको हम सारी
जानकारियां पूरी विस्तार पूर्वक से बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है। दोस्तों, इन दो दिनों के समय अवधि में जीवन से जुड़ी तमाम तरह की बाधाओं को दूर करने वाले साबित होंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से किसी प्रकार के मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, या फिर आपके ज़िंदगी में कोई प्रकार की परेशानियां आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो उन सारे परेशानियों से आप लोगों को अब अचानक से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे सकते हैं। और आपके ज़िंदगी में आपके जो लोग दुश्मन तत्व बने हुए हैं, जो लोग आपको हमेशा परेशान करते आ रहे हैं, दोस्तों अब उन लोगों के साथ जो घटनाएँ होने वाली हैं, दोस्तों उन्हें देख कर आपको अपनी ही आँखों पर बिल्कुल भी विश्वास और यकीन नहीं होंगे। दोस्तों, आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे दुश्मनों के साथ कुछ ऐसे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस जीवन में जो जैसा कर्म करता है, दोस्तों भगवान उसे वैसे ही फल देते हैं। और आपके दुश्मनों ने अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म किया था, दोस्तों अब माता मनसा देवी उन लोगों को वैसे ही फल अगले इन दो दिनों के अंदर देने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके कोई भी प्रकार की समस्याएँ कोर्ट कचहरी में जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उसमें फैसला भी ऐसे में आपके पक्ष में आ सकते हैं, या फिर आपके जो विपक्षी थे, दोस्तों वे लोग ऐसे में कोर्ट के बाहर ही सुलझ समझौता करने की पेशकश भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को अचानक से व्यवसाय के क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में कुछ ऐसे बड़े लाभ की प्राप्ति होंगी, या फिर कुछ ऐसे बड़े कामयाबी भी ऐसे में आपको मिलेंगी, जिन्हें देखकर आपके तो बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे, और समाज में काफ़ी अच्छा मान प्रतिष्ठा भी ऐसे में आपकी होंगी, और सभी लोग आपके ही चर्चे भी करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे में जीवन में कुछ करने के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं, या फिर आप कोई भी फैसला करते हैं, तो दोस्तों उसमें घर परिवार के सदस्यों का पूरा साथ और समर्थन भी आपको मिलेंगे, जिनकी कृपा से आप उस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे, आपकी वह सफलता भी प्राप्त होंगी जिनके लिए आप यह समय इस निर्णय को यह समय लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय आपको भी निर्णय लेंगे तो जल्दबाजी में ना लें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ ही इसमें आप लोग कार्य क्षेत्र में किसी भी इंसान पर आप लोग आँख मूंद कर विश्वास और भरोसा करने से आपको बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, इसमें कार्य क्षेत्र में आपको स्वयं ही सारे कार्य करने की आवश्यकताएँ होंगी। अगर आप इसमें किसी पर विश्वास करेंगे, तो दोस्तों आप जिस पर विश्वास करेंगे, दोस्तों वही लोग आपके साथ इसमें विश्वासघात भी कर सकते हैं। तो आप इसमें स्वयं ही कार्य करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। और दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों की इसमें आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे थे, तो आपकी यह कामना भी इन दो दिनों के अंदर पूरी होती हुई देखी जा सकती हैं, जिनसे आपका मन इसमें काफ़ी खुश और काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई देंगे। और दोस्तों, भूमि या फिर भवन के क्रय विक्रय की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का प्रयास कर रहे थे, या फिर आप कोई भी नया घर खरीदना चाह रहे थे, या फिर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसे कीमती चीज़ खरीदने का प्रयास सालों से करते आ रहे थे, तो दोस्तों यह कामना भी आपकी इन दो दिनों के अंदर माता मनसा देवी की कृपा से पूरी होती हुई देखी जा सकती है। और दोस्तों, आपकी इस कामयाबी को देखकर आपके आस पड़ोस के लोगों में एकदम से हड़कंप मच जाएंगे। और दोस्तों, ये सोचेंगे कि आखिर ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में पूरी सच्चाई किसी को भी बिल्कुल भी भूल से मत बताना। और दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े लोगों को यह समय बाजार में आई हुई तेजी का लाभ भी प्राप्त होंगे, और मार्केट में यह समय आपकी काफ़ी अच्छी साख भी बढ़ेंगी। और कामकाज के साथ यह समय आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी, नहीं तो आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार को भी समस्याएँ हो सकती हैं। और विशेष तौर पर यह समय आपको खान पान का खूब ख्याल रखने की आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर सोच रहे थे, तो दोस्तों अगर आप यह समय ऐसा करते हैं, तो आपके बाद भी इन दो दिनों के अंदर बन जाएंगे, जिनसे आपके चेहरे पर अच्छी खासी मुस्कान भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। और वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध इसमें काफ़ी अच्छे प्रगाढ़ भी होंगे। और दोस्तों, यह समय आपके संतान कुछ ऐसे बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, जिन्हें देखकर आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, और पूरे परिवार में इसमें खुशी का माहौल भी दिखाई देंगे।